नमस्कार आदाब, मैं सैफ सैफी स्वागत करता हूं आपका आईबीएन भारत में। आज हम आए हैं जनपद बरेली के 125 कैंट विधानसभा में। यहां से अभी आपको बताते चलें कि अभी इस समय टिकट का बंटवारा नहीं हुआ है, टिकट के लेके काफी तरह से घमासान मचा हुआ है और अभी हर पार्टी के हर विधानसभा में एक एक पार्टी से कई कई दावेदारी, कई कई लोगों ने दावेदारी की है, कई कई तरह से दावेदार हैं, तो टिकट को लेके अभी असमंजस में कहानी चल रही है। तो इसी सब को देखते हुए हम आए हैं 125 कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी से दावेदारी किए हुए और वैसे जो जिला उपाध्यक्ष भी हैं संजीव सक्सेना जी के पास, और हम इनसे जानते हैं इनके राजनीतिक सफर के बारे में, राजनीतिक करियर के बारे में और 125 कैंट विधानसभा से किस तरह की ये तैयारी कर रहे हैं उन तैयारी के बारे में। तो आइए हम उनसे जानते हैं। सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आप कितने समय से राजनीति में हैं और राजनीति से पहले क्या आपका प्रोफेसर रहा था? मैं यूपी स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन में रीजनल मैनेजर था और नवंबर 19 में मैं रिटायर हुआ। ये तो मेरी सरकारी सेवाओं का छोटा सा विवरण है। और रही राजनीति की बात, तो मैं आंतरिक रूप से 97 से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ। जब इसकी स्थापना हुई थी समाजवादी पार्टी की, परम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के उस समारोह में मैं शामिल था। बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप। सक्सेना जी, लंबे समय से आप राजनीति में हैं और सक्रिय तरह से राजनीति कर रहे हैं, इस जो आपका समय बीता है राजनीति में, इस समय में आपने अब तक कितने चुनाव लड़ चुके हैं? देखिए, जब नौकरी में आदमी होता है तो चुनाव लड़ने के लिए एंटाइटल नहीं होता है। नौकरी से पहले जब मैं 1981 में बरेली कॉलेज का ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा और नौकरी के बाद मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उपाध्यक्ष बना दिया, मेरे कायस्थ समाज ने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा बना दिया। आज मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ और करता रहा हूँ और एक सिपाही की तरह हूँ और मैं उसमें कार्य कर रहा हूँ। सक्सेना जी, 125 कैंट विधानसभा से आप तैयारी भी कर रहे हैं चुनाव की, जो चुनाव की आपने तैयारी करी है, किस लेवल पर तैयारी करी है, किस स्तर से आप उस चीज को देखते हैं? मैं इसको थोड़ा सा हटके इसमें बताऊंगा। मैं जो हूं समाजवादी पार्टी को जिताने की तैयारी कर रहा हूं, अपनी सेल्फ मेरी कोई तैयारी नहीं है। और उस तैयारी में यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे और हम चाहते हैं कि मिलजुल के ही रहें, इसलिए ये प्रतीक मैंने बनाया है। और मैं भी हृदय से पक्का हिंदुस्तानी हूं और मैं जानता हूं चाहे बीजेपी कितनी ही हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर ले, मैं हमेशा मुसलमानों के साथ हूँ और मुसलमान मेरे साथ हैं। हम लोग सब एक हैं और एकता का प्रतीक, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये अपनी दीवार पर ये चिन्ह लगाया। और टोपी के बारे में मैं बता ही चुका हूँ और वो मेरे समाज का चिन्ह है, कलम दबा, जो मैं समाजवादी पार्टी में होने के नाते मैं काय समाज से हूँ और मुझे काय समाज का होने के नाते ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उपाध्यक्ष बनाया था। तो मैंने अपने कार्यालय पर अपने काय समाज का ये लोगो बनाया, चित्रगुप्त महाराज का, चित्रगुप्त भगवान का। लोग आके देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। मेरे समाज के लोग मेरे लिए मेरे साथ लगातार जुड़े हैं और हमारा मेन साइकिल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारा चुनाव जो है साइकिल ही है, निशान, उस निशान को मैंने बनवाया जिससे लोग आकर बहुत खुश होते हैं। और लास्ट में संजीव जी, मेरा कहना ये होगा कि आप चैनल आईबीएन के माध्यम से आप अपने 125 कैंट विधानसभा की जनता और शहर की जनता और प्रदेश की जनता से कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष होने के नाते, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का होने के नाते, मैं एक यही संदेश देता हूँ कि हम सब लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और मैं लगातार ये कहता आ रहा हूँ कि हम लोग एक गुलदस्ते की तरह रहेंगे तो हम लोग एकजुट होकर रहेंगे तो हम लोग को कोई काट नहीं सकता। राजनीति का अपनी जगह होती है लेकिन हिंदू मुस्लिम को लड़ाना अच्छी बात नहीं होती। और हम लोग एक हैं, एकता का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक बन के रहें और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिताएं, ताकि जो आज की समस्या मेन है, बेरोजगारी, रोजगार नहीं है लोगों के पास, महंगाई का मुद्दा है और तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हमारा केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हल कर सकते हैं। यही मेरा संदेश है, मैं चाहता हूँ सब लोग मिलजुल कर रहें और बीजेपी के
दुष्प्रचार में ना है कि लोग कहते हैं कि एंड टाइम पे हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं। हिंदू मुस्लिम तो एक है और एक ही रहेगा। कि समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संजीव सक्सेना जी से इनसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी की तैयारी के बारे में, बरेली शहर से जो विधानसभा चुनाव है 2022 उसके बारे में, तो इन्होंने बताया कि यहाँ अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी करेगी और बरेली शहर में अच्छी सीटें निकल के आएंगी। और इनका कहने का मतलब है कि ये समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बना रही है। अंत में मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि लगते जिगर अखिलेश हम तुम पर जान निछावर कर देंगे, लगते जिगर अखिलेश हम तुम पर जान निछावर कर देंगे, और अगर वक्त ने खून मांगा तो खून से दावन भर देंगे हम, खून से दावन। संजीव सक्सेना जी का एक मैसेज शेर के माध्यम से जा रहा है, अपनी पार्टी के लिए और देश के लिए मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। IBN भारत, बरेली।